आज की मेरी रेसिपी सेहत और स्वाद से भरपूर है, जिसे काफी ज्यादा पसंद भी किया जाता है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक पनीर, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बाजार जैसी पालक पनीर आप घर पर ही कितनी आसानी से बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तृप्ति किचन कॉर्नर। मैं हूँ तृप्ति। रेसिपी देखने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर आइए इसकी रेसिपी देखते हैं। पालक पनीर बनाने के लिए 1 टेबल स्पून ऑयल, साथ में 2 टेबल स्पून घी, घी गरम हो गया है, 2 लौंग, 7 से 8 काली मिर्च, 1 तेज पत्ता, 1 टीस्पून जीरा, 4 से 5 लहसुन, 1 इंच अदरक और 1 हरी मिर्च कुटी हुई, अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 मीडियम साइज की प्याज बारीक कटी हुई, जितना बारीक काट सकें उतनी बारीक कटी हुई या कद्दूकस की हुई, इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। जब तक प्याज फ्राई हो रही है, तब तक खड़ी धनिया को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून खड़ी धनिया, इसे थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। धनिया रोस्ट हो गई है, अब धनिया को दरदरा पीस लेंगे। पिंच ऑफ हींग, चुटकी भर हींग डाली है। प्याज लाइट ब्राउन हो गई है, अब इसमें खड़ी धनिया जो क्रश किया था वो ऐड करेंगे। अब बाकी के मसाले भी डाल लेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। एकदम स्लो फ्लेम में मिक्स करना है, नहीं तो मसाला जल जाएगा। 1 टेबल स्पून पानी डाल देंगे, जिससे मसाला जले नहीं। जब मसाला अच्छे से भुन जाए, तब 1 टीस्पून कसूरी मेथी, इसको अच्छे से रोस्ट करके क्रश कर लिया है, वो ऐड करेंगे। इसे ऐड करने से एकदम रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर आता है। 1 मीडियम साइज का टमाटर बारीक कटा हुआ, नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार, थोड़ा सा पानी डालेंगे 2 टेबल स्पून और टमाटर को गलने देंगे। टमाटर को ढक के पकाएंगे, जिससे टमाटर अच्छे से गल जाए। 2 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं। ये देखिए टमाटर भी अच्छे से गल गया है, मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। अब इस स्टेज में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये मैंने किसी से सीखा है, इससे पालक खाने में बहुत टेस्टी लगती है। 2 टेबल स्पून बारीक कटी हुई पालक, ये ऐड कर देंगे। बड़ी बड़ी नहीं कटी होनी चाहिए, एकदम फाइनली चॉप होनी चाहिए। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी सी क्रीम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, अच्छे से मिक्स करेंगे। आप मलाई भी ऐड कर सकते हैं 2 टेबल स्पून, मैंने फ्रेश क्रीम यूज की है अमूल की। 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से मसाला भुन रहा है, मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 1/2 कप। 1 बॉईल आ गई है, अब पालक ऐड करेंगे। पालक को अच्छे से पहले वॉश करें, फिर इसको ब्लांच करके इसका प्यूरे बना लें, अच्छे से मिक्स कर देंगे। पालक पहले से ही पकी हुई है, तो इसे ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसे ज्यादा पकाएंगे, ज्यादा कुक करेंगे, तो इसका कलर डार्क हो जाएगा। पालक को लगातार चलाते रहें। अब चेक करते हैं, 2 मिनट हो गए हैं। ये देखिए पालक अच्छे से पक गई है। अब पनीर ऐड कर देंगे, 200 ग्राम पनीर है। अब अपने हिसाब से ऐड करें कम ज्यादा, हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। कवर करके 1 मिनट और पकाएंगे, चेक करते हैं। ये देखिए सब्जी बनके रेडी है, फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब पालक के लिए तड़का तैयार करेंगे। पालक की सब्जी के लिए तड़का तैयार करेंगे। 2 टेबल स्पून घी, घी गरम हो गया है, 1 टीस्पून जीरा, 5 से 6 कली लहसुन की कटी हुई, 2 सूखी लाल मिर्च, इसे मिक्स करेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब 1 टीस्पून देगी मिर्च या कश्मीरी मिर्च डालेंगे। ये पालक के लिए तड़का बनके रेडी है, ये पालक की सब्जी के लिए तड़का बनके रेडी हो गया है। पालक की सब्जी बनके रेडी है, ये देखिए। अब इसके ऊपर थोड़ा सा तड़का डालेंगे, जो तड़का बना के रखा था, ये ऑप्शनल है, अगर आपका मन है तो डालिए, वरना कोई जरूरी नहीं है। थोड़ी सी फ्रेश क्रीम डाल देते हैं। ये देखिए सब्जी बनके रेडी है, कितनी अच्छी लग रही है। आप भी बनाइए और एंजॉय करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।